हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइस, आज के लेक्चर नंबर 27 ऑफ एंटोमोलॉजी में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है राइस के पेस्ट। सो गाइस, लेक्चर में आगे कब बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आज से जो लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है एंटोमोलॉजी का, वो उन सब लेक्चर्स में, यानी आज से जो हमारा 27 है, कल 28th लेक्चर जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के पेस्ट के बारे में, ठीक है। तो गाइज, आज का लेक्चर जो है हमारे पेस्ट ऑफ राइस पे हैं, जिनमें जो हम देखेंगे टोटल कितने तरह के पेस्ट होते हैं किसी क्रॉप को इन्फेस्टेशन के लिए, मतलब कौन कौन से क्रॉप जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं राइस में पेस्ट अटैक के लिए, और उनमें से मेजर पेस्ट कौन कौन सी हैं, माइनर पेस्ट कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है क्रॉप पेस्ट एंड स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। और मेन ये जो लेक्चर है वो है राइस के ऊपर, यानी पेस्ट ऑफ राइस के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है, मोर देन 100 इंसेक्ट स्पीसीज आर एसोसिएटेड विद द राइस क्रॉप एट वन स्टेज और द अनदर, ठीक है। 100 से ज़्यादा जो स्पीसीज हैं राइस की, सॉरी इंसेक्ट की, वो राइस पे एज अ पेस्ट अटैक करती हैं, ठीक है। जिनमें से अगर बात करें तो 20 जो हैं वो मेजर पेस्ट हैं, मेजर पेस्ट इन द सेंस मेजर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है। मतलब वो जो क्रॉप को डैमेज करता है वो ज़्यादा करता है, ठीक है। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट पेस्ट जो हैं वो जैसे सकिंग पेस्ट हो गए, BPH, GLH, WPH, ये सारे इंसेक्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा इन फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है। राइस ईयर हेड बग हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है राइस प्रोडक्शन को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो हम जो लेक्चर्स हैं राइस के जो पेस्ट पढ़ेंगे उनको दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो होगा मेजर पेस्ट, ठीक है, राइस के जो मेजर पेस्ट हैं उनके बारे में, मेजर इन द सेंस जो फ्रीक्वेंटली अटैक करते हैं, जिनसे डैमेज जो होता है ज़्यादा होता है। सेकंड है माइनर पेस्ट, ठीक है, तो उनके बारे में हम जो पढ़ेंगे वो कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है मेन इन 7 मेजर पेस्ट के बारे में है। तो मेजर पेस्ट राइस के कौन कौन से हैं, सबसे पहला है थ्रिप्स, सेकेंड है ग्रीन लीफ हॉपर, थर्ड ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है, फोर्थ है वाइट बैग प्लांट हॉपर, फिफ्थ है राइस ईयर हेड बग, सिक्स्थ है मिली बग, और लास्ट जो हम पढ़ेंगे मेजर पेस्ट वो है राइस ब्लैक बग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, या फिर आप एक बार देख लो कि टोटल 7 तो हो गए हमारे मेजर पेस्ट, और जो 5 है वो माइनर पेस्ट है। माइनर पेस्ट में कौन कौन से हैं, ईयर हेड स्टिंग बग, राइस स्ट्रिप बग, वीट राइस लीफ हॉपर, ब्लू राइस लीफ हॉपर, जिग जैग स्ट्रिप लीफ हॉपर। तो ये जो है माइनर पेस्ट है। माइनर पेस्ट कहने का मतलब है कि इनका जो डैमेज है वो मोर फ्रीक्वेंट नहीं है, ठीक है, और इनका डैमेज जो है लार्ज स्केल पे नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये डैमेज करते हैं क्रॉप को, इनको भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन जो है डैमेज जो है एक कंट्रोल में वे में होता है, ठीक है। मेजर पेस्ट हमारे प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि हम इस लेक्चर में क्या कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन लेक्चर्स में सबसे पहले मेजर पेस्ट को, जो कि है थ्रिप्स। आप सबसे पहले यहाँ पे आप डायग्राम देखो, आपने इस इंसेक्ट को पहले देखा होगा, इसे ही हम कहते हैं थ्रिप्स, ठीक है। जो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है स्टेनचेटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस, ठीक है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस, तो मेनली इन्फेक्ट करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं क्रॉप्स के कहाँ, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो आप मेन जो डोमिनेंट एरिया देख रहे हो तो ये कौन से एरिया में ज़्यादा है, साउथ ईस्ट एशिया के साइड, ठीक है। तो ये जो है मेजर पेस्ट है, लेकिन कभी कभी क्या है हो सकते हैं कि कहने का मतलब है कि मेजर पेस्ट तो है ही, इनमें माइनर होने की भी कैपेबिलिटी है और मेजर होने का भी पोटेंशियल है, ठीक है। तो मेन जो एरिया इन्फेक्शन है वो कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान एंड मलेशिया। अगर होस्ट रेंज बात करें, टिकाइनोक्लोआ स्पीसीज जो भी हैं उनके ऊपर ये क्या करते हैं, एज अ पेस्ट आते हैं, ठीक है। अगर इनके डैमेज सिम्टम्स के बारे में बात करोगे तो देखो, बोथ नेम्स एंड एडल्ट्स लैसेरेट दी टेंडर लीव्स, ठीक है, उनके टेंडर को क्या करते हैं, सक करते हैं, एंड सक दी प्लांट सैप, ठीक है। जिनसे जो सिम्टम डेवलप होता है वो येलो एंड सिल्वरी स्ट्रीक्स ऑन द लीफ ऑफ यंग सीडलिंग्स, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देखो, ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दो इमेजेस दिए हैं, आप यहाँ पे अच्छे से देखो कि ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, वेट वन मिनट, ये वाला डायग्राम, अब इसमें देखो ये इनके डैमेज सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो येलो एंड सिल्वरी स्ट्रीक ऑन द लीव्स ऑफ यंग सीडलिंग्स, टर्मिनल रोलिंग ऑफ एंड ड्राइंग ऑफ द लीव्स फ्रॉम द टिप टू बेस इज द टिपिकल सिम्टम ऑफ द अटैक। समझना इसको कि येलो एंड सिल्वरी स्ट्रीक्स बनते हैं लीफ पे, यंग सीडलिंग्स के लीफ पे, टर्मिनल रोलिंग हो जाता है। टर्मिनल कहने का मतलब क्या है, आगे की साइड से जो एंड है लीफ का वहां पे क्या हो जाता है, रोलिंग एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द टिप टू द बेस इज द टिपिकल सिम्टम ऑफ दिस अटैक, ठीक है। इट कॉज डैमेज टू बोथ नर्सरी एंड मेन फील्ड क्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने इमेज दिया है वो इसके इन्फेक्शन का है, या फिर जो अफेक्ट कर रहा है हमारे राइस क्रॉप को, थ्रिप्स,
ठीक है। इसका जो ETL है, ETL कहने का मतलब है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे हमें अपना प्रोटेक्शन लेवल स्टार्ट करना चाहिए, चाहे फिजिकल डैमेज को कंट्रोल करो, फिजिकल तरीके से कंट्रोल करो, केमिकल तरीके से, या फिर बायोलॉजिकल तरीके से। यानी कहने का मतलब है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमें ETL लेवल से स्टार्ट कर देना चाहिए। और ETL लेवल जो है 60 NOS यानी 60 नंबर पर 12 वेट हैंड स्वीप्स इन नर्सरी। ठीक है, कहने का मतलब है कि 60 अगर 60 नंबर ऑफ थ्रिप्स दिख रहे हैं पर 12 वेट हैंड स्वीप्स इन नर्सरी, तो आपको ये चीज़ कंट्रोलिंग इसका चालू कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसका बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स कहने का मतलब क्या है कि आप इनके एडल्ट्स को, नीम्स को कैसे पहचानोगे, इनका लाइफ साइकिल किस तरीके का है। ठीक है, तो एडल्ट जो होते हैं डार्क ब्राउन होते हैं, फीमेल जो होती है इंसर्ट करती हैं लेग को, ठीक है, सिंगली विद द लीफ, विद इन द लीफ टिश्यू। ठीक है, यंग लीव्स के लीफ टिश्यू में क्या करती हैं, एक को सिंगल सिंगल क्या कर सकती हैं, इंसर्ट कर देती हैं। एक जो है 3 से 5 दिन तक वहाँ पे रहता है, ठीक है, फिर वो एक से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आप डायग्राम में देखो, यंग लार्वा, फिर मैच्योर लार्वा, फिर प्री प्यूपा और फिर एडल्ट में कंप्लीट हो जाता है। तो लाइफ साइकिल जो है वो 13 से 19 दिनों का होता है इन थ्रिप्स का। आई होप आपको ये चीज़ें अभी समझ में आई होंगी। अगर इनको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं, या तो आप रेजिस्टेंट कल्टीवर्स का यूज़ करो। रेजिस्टेंट कल्टीवर्स में हो गया हमारा PTB-12, PTB-20 और PT-321 और H4। ठीक है, आप ये चीज़ तो याद कर सकते हो। ठीक है, और मतलब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आप ऑप्शन में ना आप इस तरीके से याद किया करो, PTB करके, PTB अगर है तो थ्रिप्स। ठीक है, अब जो है आप देखो, इनको कंट्रोल करना है, अगर केमिकल कंट्रोल, तो स्प्रे करो इंडोसल्फान 35 EC 80 ml और मोनोकॉट्रोफॉस 36 WSC 40 ml, ठीक है, पर 800 m² नर्सरी में। इंडोसल्फान जो यूज़ कर रहे हैं 35 EC 1 L, ठीक है, तो ये है इनका कंट्रोल करने का तरीका, यानी मैनेजमेंट करने का इनका तरीका। सो जो हमारा सेकंड मेजर पेस्ट है वो है ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफोटेक्टिस वायरेंसिस। ठीक है, तो आपने ये वाला इंसेक्ट तो आपने कॉमनली देखा होगा, ये हमारे घरों में भी दिखते हैं, ठीक है, और ये हेमिप्टेरा से बिलोंग करते हैं। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो ये हैं इंडिया, साउथ जापान, ठीक है, साउथ जापान टू ओरिएंटल रीजन, वेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, ठीक है, श्रीलंका, तो ये भी साउथ, यानी कह सकते हैं हमारा साउथ पोल के जो कंट्रीज़ हैं उनके तरफ हैं। ठीक है, और अगर इनका होस्ट रेंज बात करें तो राइस, मिलेट्स, ग्रासेस, इन सब पे ये एज अ पेस्ट आते हैं। डैमेज सिम्टम में अगर हम बात करेंगे तो बोथ निम्स एंड एडल्ट्स डी सैप द लीव्स, मतलब ये जो लीव्स हैं उनके सैप को क्या कर सकते हैं, क्या कर जाते हैं, सैप को सक कर जाते हैं, और उनमें इस सकिंग के वजह से क्या हो जाता है, हॉपर बर्न हो जाता है। अब हॉपर बर्न कैसा होता है, ठीक है, पहले तो हॉपर बर्न तभी होगा जब हेवी इन्फेस्टेशन होगा। ठीक है, हॉपर बर्न जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो येलोइंग हुई है, ठीक है, येलोइंग ऑफ लिप्स फ्रॉम द टिप डाउनवर्ड इज द टिपिकल सिम्टम, येलोइंग ऑफ लिप्स फ्रॉम द टिप डाउनवर्ड इज द टिपिकल सिम्टम। आप यहाँ पे देखना, जो भी इस मैंने जो PDF है इसमें जो भी मेंशन करा है येलो में, तो येलो तो जनरल मैंने बताया है उन क्या मतलब कौन से इनसे कैसे दिखते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या करते हैं। ग्रीन रंग से मैंने दिखाया है उनके सिम्टम्स, और रेड रंग से दिखाया है, मतलब रेड कलर से जो हमने दिखाया है उसके टिपिकल सिम्टम है। तो अगर हम बात करें इस जो हमारा ग्रीन लीफ हॉपर है उसके मेन जो टिपिकल सिम्टम है, येलोइंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द टिप डाउनवर्ड इज द टिपिकल सिम्टम कॉज्ड बाय दिस पेस्ट। However, it is more important as a vector of rice tumor virus. कहने का मतलब है ये सिर्फ उसी तरीके से डैमेज नहीं करते हैं, ये साथ साथ वायरस को भी कैरी करते हैं। कौन से वायरस को? राइस टूमरो वायरस, राइस येल्लो ड्वार्फ एंड ट्रांजिस्ट्री येल्लो डिजीजेस। ठीक है, यानी ड्वार्फिंग जो होती है राइस में, उनके वायरस को या फिर उनके माइक्रोब्स को ये कैरी भी करते हैं। ठीक है, अगर इनके ETL के बारे में बात करें, ETL मैंने अभी जस्ट बताया कि कब से कंट्रोलिंग करनी है, IPM कब से हमें लगाना है इसमें, यानी उन पेस्ट को कब से कंट्रोल करना है। अगर आपको नर्सरी में 60 नंबर दिख जाए पर स्वीपिंग, पर 25 स्वीपिंग, तो आप करोगे 10 नंबर दिख जाए पर हिल फ्लावरिंग स्टेज पे, 5 नंबर दिख जाए वेजिटेटिव स्टेज पे, और 2 नंबर दिख जाए मतलब नंबर 2 में हो। ठीक है, यानी मैं उनके नंबर्स बता रहा हूँ, अगर वो 2 हैं पर हिल तो उनको जो टुंगरो एंडेमिक एरिया जो है उनको घोषित कर दिया जाता है, और वहाँ पे अलग से इसी डिजीज़ के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये तो हो गए इनके सिम्टम्स और ETL के बारे में। अगर हम बात करें बायोनोमिक्स के बारे में, इन्हें कैसे पहचानेंगे, तो एडल्ट जो होते हैं ग्रीन विथ ब्लैक स्पॉट, ठीक है, एंड ब्लैक पैच ऑन विंग्स आप देख सकते हो,
दिख रहा है, ग्रीन कलर के ब्लैक पैच भी है और ब्लैक डॉट भी है। तो इसी बारे में बताया गया है कि एडल्ट ग्रीन और ब्लैक स्पॉट होता है उनमें, ठीक है, ब्लैक पैच ऑन विंग होता है। ग्रेविड फीमेल इंसर्ट्स 200 टू 300 एग्स इन बैचेस ऑफ 8 टू 16 इन मिडरिब ऑफ द लीफ ब्लेड। जो हमारा लीफ होता है उसके मिडरिब में, मतलब लीफ ब्लेड के मिडरिब में, वो 8 टू 16 के नंबर में 200 से, मतलब 8 टू 16 बैचेस के फॉर्म में 200 या 300 एग को क्या करती हैं, जमा कर देती हैं, इंसर्ट कर देती हैं। ठीक है, एक जो एक पीरियड जो होता है 6-7 दिन का होता है, ठीक है, उससे वो निकलेगा हमारा निम्फ। निम्फ अंडरगो 5 इंस्टार्स टू बिकम एडल्ट इन 25 डेज। ठीक है, एडल्ट जो है वो 20 से 30 दिन तक जिंदा रहता है। जो पॉपुलेशन है नॉर्मली इंक्रीज करता है अगस्त, ठीक है, और मैक्सिमम रीच कर जाता है सितंबर तक, अक्टूबर तक, एंड डिक्लाइंस फ्रॉम नवंबर। ठीक है, तो इनका जो मेन ग्रोइंग पीरियड है वो अगस्त से स्टार्ट होता है, सितंबर तक पीक पे चला जाता है, सितंबर अक्टूबर तक, और फिर नवंबर में डिक्लाइन होने लगता है। आप यहाँ पे इसके ग्रोथ स्टेजेस देख सकते हो कि जब एग है, ठीक है, एग हैचेस इन 69 डेज, फर्स्ट निम्फ, सेकंड निम्फ, थर्ड निम्फ, फोर्थ निम्फ, फिफ्थ निम्फ, और वो फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जो है इसका मैनेजमेंट, तो इसके मैनेजमेंट के लिए या तो यूज़ दी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक IR20, IR50, ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज़ आप पढ़ लेना इस पर। उसके बाद दूसरा क्या तरीका है, नर्सरी शुड बी रेज्ड नियर दी लैम्प पोस्ट जहाँ पे ये इन कीड़ों को हम मार सकें। अप्लाई नीम केक भी अप्लाई करो एट द रेट 12.5 kg पर 800 मीटर स्क्वायर ऑफ नर्सरी एट एज बेसल डोज। ठीक है, सबसे पहला जो डोज देते हैं उसको बेसल डोज कहते हैं। या फिर अगर केमिकली कंट्रोल करना है तो कार्बोफ्यूरान 3g एट द रेट 3.5 kg, ठीक है, 4-8 यूज़ कर सकते हैं, 10g एट द रेट 1.2 kg, ठीक है, क्विनल फॉस यूज़ कर सकते हैं 25 EC 80 ml, इंडोसल्फान यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है ये इनका केमिकल कंट्रोल में आता है। ठीक है, स्प्रे ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इन 500 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये इसका हो गया हमारा केमिकल कंट्रोल या फिर कह सकते हैं मैनेजमेंट। अब जो थर्ड मेजर पेस्ट है वो है ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है, इनका नाम ब्राउन इसलिए है कि ये पैचेस छोड़ते हैं फील्ड में ब्राउन कलर के। ठीक है, और जो इनका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है नीला पर्वता ल्यूजेंस। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन इंडिया। मतलब कहने का मतलब है कि देख रहे हो कितने जगह पे है। अगर हम साउथ इंडिया बात करें तो साउथ इंडिया में भी है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में भी अगर बात करें तो अपर तो नहीं कह सकते, लोअर लेवल पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी है यानी सेंट्रल इंडिया में भी है, और अगर आउटसाइड इंडिया बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, कोरिया, इन सब जगह भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है ब्राउन प्लांट हॉपर का। होस्ट रेंज राइस, शुगर केन एंड ग्रासेस, इन तीनों पे ये इन्फेक्शन करते हैं। डैमेज सिम्टम्स में अगर बात करें तो एडल्ट एंड निम्स जो हैं कॉन्ग्रेट एट द बेस ऑफ द प्लांट अबव द वाटर लेवल। ठीक है, एंड सक द सैप फ्रॉम द टिलर्स। सो अगर इनके डैमेज सिम्टम के बारे में हम बात करें तो डैमेज सिम्टम में क्या है कि प्लांट जो है, जो अफेक्टेड प्लांट है वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, एंड गिव्स अ स्कॉर्च्ड अपीयरेंस लाइक हॉपर बर्न। ठीक है, हॉपर जिस तरीके से क्या करता था, लीफ को पहले येलो करता था और येलो से ब्राउनिश कलर में, तो हॉपर बर्न का कैरेक्टर ही यही है कि यह पहले येलोइंग होगा फिर ड्राइंग हो जाएगा यानी ब्राउन कलर का हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हॉपर बर्न। ठीक है, अभी हमने ग्रीन हॉपर में भी देखा था और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो है ब्राउन प्लांट हॉपर। इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी सिम्टम्स हैं वो इस तरीके के हैं। अगर हम बात करें इनके टिपिकल कैरेक्टर्स तो क्या होगा, सर्कुलर पैचेस ऑफ ड्राइंग एंड लॉजिंग ऑफ द मैच्योर्ड प्लांट्स आर टिपिकल सिम्टम्स। ठीक है, मतलब सर्कुलर पैचेस मिलेंगे मतलब किसके, ड्राई होने के। ठीक है, मैच्योर प्लांट्स में ये देखा जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो ये वेक्टर है ग्रासी स्टंट। ठीक है, वेक्टर ऑफ ग्रासी स्टंट, रैग स्टंट एंड विल्टेड स्टंट डिजीज का। ठीक है, ETL के बारे में बात करें तो 8-10 नॉस पर हिल या फिर 20 नॉस पर हिल व्हेन स्पाइडर इज प्रेजेंट एट, अगर स्पाइडर प्रेजेंट है तब तो क्या करेंगे कि हम कम मतलब ज़्यादा हो जाए तब करेंगे, जैसे क्या 8-10 जो नॉस है पर हिल या फिर 20 नॉस पर हिल अगर है व्हेन स्पाइडर प्रेजेंट हो, नहीं तो 1 नंबर अगर पर हिल हो तभी भी हम इस पर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, कंट्रोलिंग इसका स्टार्ट कर देते हैं। बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो द ब्राउन प्लांट हॉपर हैज़ ब्राउन बॉडी एंड अ चेस्टनट ब्राउन आइज। ठीक है, यहाँ पे आपको इंसेक्ट दिख रहे हैं। एडल्ट मैच्योर्स अबाउट 4-5 mm इन द लेंथ, कैपेबल ऑफ फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ड्रिफ्टिंग द विंड। ठीक है, एडल्ट्स आर ऑफ टू फॉर्म्स,
ठीक है, या तो लॉन्ग विंग्ड होंगे या तो शॉर्ट विंग्ड होंगे. फीमेल मेक्स एन इंसीजन इन द लीफ सीड एंड इंसर्ट 200 to 300 स्मॉल एग्स. ठीक है, मतलब लीफ को कट करती है और उसमें एक को इंसर्ट करती है. एक पीरियड जो है वो 6 दिन का होता है. निम्फियल पीरियड जो होता है, यानी निम्फ जो होता है डेवलप करता है एडल्ट में, वो 15 डेज में, और एडल्ट जो है 18 to 20 डेज तक ही जिंदा रह पाते हैं. तो ये इनके कैरेक्टर्स हो गए और इनके बायोनॉमिक्स हो गए. ठीक है, लास्ट इनके मैनेजमेंट के लिए हम या तो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ करो, जैसे अरुणा, कर्नाटका, ठीक है, मैकॉन, बहुत सारी इनके वेराइटीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं. दूसरा तरीका है कि अवॉइड क्लोज प्लांटिंग एंड प्रोवाइड 30 सेंटीमीटर रूट स्पेसिंग एट एवरी 2.5 टू रिड्यूस दी पेस्ट इंसिडेंस. ठीक है, मतलब अवॉइड जो है क्लोज जो प्लांटिंग करते हैं उसको अवॉइड करना है. थर्ड, अवॉइड यूज ऑफ एक्सेसिव नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. ठीक, कंट्रोल इरीगेशन. ठीक है, पांचवा तरीका है सेटअप लाइट ट्रैप्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन. सिक्स्थ है रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज लाइक वुल्फ स्पाइडर. ठीक है, इनका हम स्प्रेडिंग कर सकते हैं. स्प्रेडिंग कह सकते हैं कि उनके नंबर्स को बढ़ा देना, नेचुरल एनिमीज जैसे इनके वुल्फ स्पाइडर हैं इनको बढ़ा दो, रिलीज कर दो. अवॉइड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड कॉजिंग रीसर्जेंस. ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसे इंसेक्टिसाइड का यूज़ कम करना है, या फिर अवॉइड हम करेंगे जिनसे इंसेक्ट जो है एक बार मरते हैं और दोबारा आ सकते हैं, मतलब ऐसा जिससे परमानेंट कंट्रोल नहीं है इंसेक्टिसाइड उनका यूज़ नहीं करना है. ठीक है, ड्रेन दी वाटर बिफोर द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड डायरेक्ट द स्प्रे टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्लांट. डायरेक्ट जो है वो प्लांट के बेस पे ही इनको क्या करना है, हमें छिड़काव करना है. स्प्रे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5%. ठीक है, 5% इन द सेंस 25 kg पर हेक्टेयर, और नीम ऑयल एट द रेट 2% यानी 10 लीटर पर हेक्टेयर. ठीक है, लास्ट में केमिकल कंट्रोल अगर बात करें तो हम स्प्रे कर सकते हैं इमीडा क्लोरोपिड 17.8 SL 125 ml और ब्यूपोफेजीन 25 SC 325 ml. ठीक है, तो ये इनके हो गए हमारे केमिकल कंट्रोल. तो आप ये सारी जो चीज़ें आप इसको याद करना. ठीक है, इसमें हम डिस्कशन कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पे जो भी केमिकल्स हैं. हाँ, इन पे मैं आपको एक ज़रूर लेक्चर लेके आऊँगा कि ये जो हमारा जो कैलकुलेशन होता है कोई भी इंसेक्टिसाइड का या फिर पेस्टिसाइड का, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे EC लिखा हुआ है या फिर SL लिखा हुआ है, तो इससे कोई फार्मर या फिर जो भी नॉर्मल एग्रोनॉमिस्ट है वो किस तरीके से इसको समझता है कि उसका हमें यूज़ कितना करना है, वो हम पढ़ेंगे किसी एक सेपरेट लेक्चर में, मतलब एग्रोकेमिकल्स के सेपरेट लेक्चर में. अब जो फोर्थ जो हमारा मेजर पेस्ट है वो है वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर. ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है सोजाटेलिया फूर्सीफेरा. ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें तो वो इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया. कहने का मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी, लेकिन इक्वेटर के पास जो कंट्रीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पर. होस्ट रेंज अगर बात करें तो राइस, मेज, मिलेट, शुगर केन एंड ग्रासेस. इनका होस्ट देखो बहुत सारे क्रॉप हैं जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स भी हैं. राइस हो गए, मिलेट्स हो गए, शुगर केन हैं, मेज हैं, ग्रासेस हैं, ये इन सब पे इन्फेक्शन करता है. अगर डैमेज सिम्टम बात करें तो बोथ नेम्स एंड एडल्ट सक दी सैप. हमने अभी देखो जो भी हॉपर्स पड़े उनका माउथ पार्ट उसी तरीके का है कि वो सक कर सकते हैं सैप को. एंड कॉज सेंटेड ग्रोथ एंड हॉपर बर्न लीडिंग टू द यील्ड लॉस. हॉपर बर्न इज कॉज्ड बाई इरेगुलर कॉज्ड इन इरेगुलर पैचेस. जैसे वहाँ पे मैंने बताया था कि सर्कुलर ड्राइंग हो जाता था, यहाँ पे इरेगुलर पैचेस होंगे. निम्फ फॉल्स ऑन वाटर कीपिंग इट्स लेग स्ट्रेच्ड. कहने का मतलब है निम्फ जो है जब डेवलप करते हैं तो वाटर के ऊपर फॉल करते हैं और अपने पैरों को फैला के उस तरीके से ही गिरते हैं ताकि वो पानी में डूबते नहीं हैं. ठीक है, और बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें, इन वाइट निम्स वर्टिक्स कैरेक्टरिस्टिकली गिव्स अ नैरो फेस टू द हॉपर्स. ठीक है, फोर विंग्स हेलाइन विद डार्क वेन्स एंड ए डार्क स्पॉट इन द मिडल ऑफ द पोस्टीरियर एज. प्रोनोटम पेल येल्लो एंड एडल्ट पोजेज अ डायमंड लाइक मार्किंग ऑन द थोरेक्स. देखो कहने का मतलब है कि इनके निम्फ का कलर क्या है, वाइट. ठीक है, सबसे बड़ी बात है इनका जो फेस होगा नैरो फेस होगा. ठीक है, हॉपर्स का फोर विंग्स होंगे हेलाइन विद डार्क वेन्स एंड डार्क स्पॉट इन द मिडल ऑफ द पोस्टीरियर एज. ठीक है, पीछे का पार्ट जो होगा उनके विंग के उनके मिडिल पार्ट में क्या होगा, एक डार्क स्पॉट होगा. प्रोनोटम जो होता है उनका, प्रोनोटम क्या होता है, माउथ पार्ट पेल येल्लो एंड एडल्ट पोजेज अ डायमंड लाइक मार्किंग इन द थोरेक्स. The female lays up to 758 eggs in as many as 112 egg masses. 112 egg mass बनाती है जिसमें total 758 eggs होते हैं with 1 to 24 eggs in each leaf seed in the midrib of the leaf. ठीक है, the ovipositional site characterized by black streaks. मतलब जहाँ पे वो एग देने वाली है वो हम ब्लैक स्ट्रीक से पता करते हैं, मतलब उनका जो बॉडी है
मतलब जहाँ से इनका ओवी पोजीशन है, ओवी पॉजिटर है, वहाँ पे ब्लैक स्ट्रीक्स प्रेजेंट होती हैं। एक पीरियड जो होता है 6 to 7 days का होता है, निम्फियल पीरियड जो होता है 12 to 17 days, यानी 12 to 17 days के बाद वो 5 instar करते हुए वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फीमेल की लॉन्जिविटी जो है वो 2 months की होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है कि देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि दी ओविपोजिशनल साइट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लैक स्ट्रीक्स। तो ये ध्यान रखना कि उनका ओवी पोजीशन कहाँ पे है वो ब्लैक स्ट्रीक से हमें पता लगता है। अगर इनके मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो सेम एज BPH, ठीक है, ब्लैक ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है, और या तो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ करो जैसे AR133, IC25678, सॉरी 687, ठीक है। तो इनके हो गए हमारे रेजिस्टेंट वेराइटीज़। जो 5th number पे है वो है राइस ईयर हेड बग, ठीक है, लेप्टोकोरिसा एक्यूटा, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो इंडिया एंड राइस ग्रोइंग एरियाज, ठीक है, जहाँ पे भी राइस लगाई जाती है वहाँ पे और इंडिया में तो है ही। होस्ट रेंज अगर बात करें तो राइस एंड मिलेट। डैमेज सिम्टम जो है निम्फ में अगर बात करें, फिर एडल्ट जो है वो सक करते हैं सैप फ्रॉम दी इंडिविजुअल ग्रेन्स एट मिल्किंग स्टेज। कभी आपने देखा हो जो ग्रेन बनता है चाहे वीट या फिर राइस का, तो सबसे पहले वो ऐसे इतना हार्ड नहीं होता, अंदर में मिल्क की तरह का कुछ बनता है, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं सक कर लेते हैं सैप को उनके ग्रेन्स में से। तो इनका जो मेन जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं ईयर को, इसीलिए ईयर हेड बग नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अफेक्ट दी ग्रेन्स बिकम्स चैफी विथ ब्लैक स्पॉट्स एट दी साइट ऑफ फीडिंग पंचर, मतलब जहाँ से वो पंचर करते हैं सीड को सक करने के लिए, वहाँ पे क्या हो जाता है उनका जो साइट है वहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिखेगा, आप सीड्स में देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है, जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे उन्होंने, वहाँ से उन्होंने क्या करा है पंचर करा है। द ईल्ड लॉस मे बी अप टू 10 to 40%। इनमें क्या होगा अगर इनके फील्ड में जाओगे और डिस्टर्ब करोगे प्लांट को, तो वहाँ पे क्या होगा कि मतलब ख़राब ऑर्डर आएगा, स्मेल आएगा, ठीक है, फील्ड से। तो ये इसके कैरेक्टर्स हो गए। यहाँ पे मैंने जो है एक जो इमेज यूज़ करा है डैमेज्ड ग्रेन कॉज्ड बाय द राइस बग IRRI, ठीक है। ETL अगर बात करें तो 5 bugs per 100 panicles और 1 bug per hill एट द फ्लावरिंग स्टेज। अगर हमें अब मिल्किंग स्टेज पे देखना है तो 16 bugs per 100 panicles और 3 bugs per hill अगर मिल्किंग स्टेज पे है तो हमें ETL अप्लाई करना चाहिए, मतलब ETL पे हमें IPM अप्लाई करना चाहिए। बायोनॉमिक्स में बात करें तो ये दिखने में ही बग्स बहुत गंदे से होते हैं, मतलब आप देख सकते हो उन्हें, और ये स्मेल भी करते हैं, ठीक है। आप इनके बायोनॉमिक्स में देखो, सबसे पहले वो एग से किस में कन्वर्ट होते हैं निम्फ में, फिर वो निम्फ थोड़ा सा मैच्योर होता है और इंस्टार करके फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर इनके हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें बायोनॉमिक्स से, तो ब्राउनिश ग्रीन एडल्ट्स आर सिलेंडर विथ लॉन्ग लेग्स एंड एंटीना। इनके जो लेग्स होंगे लॉन्ग होंगे, एंटीनाज भी लॉन्ग होंगे। ले अप टू 200 to 300 फ्लैट डार्क रेडिश ब्राउन एग्स इन रोज ऑफ 10 to 15 ऑन द लीव्स और द पैनिकल्स। द एग पीरियड इज 5 to 8 days। ग्रीन टू ब्राउन निम्फ अंडरगो 5 instar इन 17 to 27 days। एडल्ट फेयरली लॉन्ग लिव्ड, मतलब जो इनके एडल्ट्स हैं वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं 30 to 50 days के लिए। अगर इनके मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले कि इनका जो अल्टरनेट होस्ट है उनको रिमूव करना, इकाइनोक्लोआ, ठीक है, इकाइनोक्लोआ फ्रॉम द बर्न्स एंड फील्ड्स। इंश्योर सिंक्रोनस प्लांटिंग ऑन कम्युनिटी बेसिस इन एन एरिया। यूज नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5%, ठीक है, या फिर नोची लीफ पाउडर का एक्सट्रैक्ट भी यूज़ करते हैं। और जो अगर हम केमिकल कंट्रोल के बारे में बात करें तो केमिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, क्विनल फोस का डस्ट यूज़ करते हैं 1.5D, ठीक है, कार्बाइल यूज़ करते हैं, कार्बाइल वो यूज़ करते हैं 10D, मेलाथियोन यूज़ करते हैं 5D एट द रेट ऑफ 25 kg per hectare, ठीक है। स्प्रे करते हैं मेलाथियोन को 15 EC 500 ml, ठीक है। तो ये हमने 5 major pests को डिस्कस कर लिया है। अब हम इस लेक्चर में 2 और major pests डिस्कस करेंगे। जो 6th number पे है वो है मिली बग, ठीक है, ब्रिवेनिया रेही जिसको हम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है उसका, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें और स्टेटस बात करें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला, ये जितने स्टेट्स यहाँ पर लिखे हैं मेजरली अफेक्टेड होते हैं मिली बग से, ठीक है। और अदर कंट्रीज़ में बात करें तो बांग्लादेश एंड थाईलैंड, ये इनके मेजर अफेक्टेड एरियाज हैं। होस्ट अगर बात करें तो राइस, ग्रामिनेशियस वीड्स जो भी हैं सबके ऊपर, तो इसीलिए वीड्स को भी रिमूव करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर ये वीड्स रिमूव नहीं होंगे तो वहाँ पे भी पलेंगे वो, और फिर वो राइस पे इन्फेक्शन करेंगे जब आप राइस क्रॉप लगाओगे। और इनके डैमेज सिम्टम के बारे में बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स रिमेन इन लीव सीड एंड सक द सैप अफेक्टिंग प्लांट्स इन सर्कुलर पैचेस, ठीक है। प्लांट बिकम वीक, येलोइश एंड स्टंट, छोटे रह जाएंगे, येलोइश हो जाएगा और वीक हो जाएगा।
प्रेजेंस ऑफ वाइट वैक्सी फ्लफ इन लीव शीथ इज द टिपिकल सिम्टम ऑफ डैमेज। देख रहे हो आपने, हम अभी तक जितना ही पढ़ा है सब में क्या होता था, लीव डैमेज ही हो रहा है, और एक में अभी हमने पढ़ा है सिर्फ किसमें, राइस ईयर हेड बग में, जिसने ईयर को क्या किया है, डैमेज किया, यानी सीड्स को डैमेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देखो या फिर इमेज देखो, इसमें क्या हुआ है, वाइट वैक्सी फ्लफ इन द लीव सीड ये डेवलप हो जाता है। यहाँ पे आप राइट वाला इमेज जो देख रहे हो, ये वाला इमेज, इसमें आप देखो इसको, ये वाला जो इमेज है इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है इसका बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स कैसे पहचानते हैं, तो द मिली बग इज स्मॉल रेडिश वाइट सॉफ्ट बॉडीड विंगलेस इंसेक्ट कवर्ड विद फिलामेंटस मटेरियल। इट लेज 126 to 139 एग्स इन द लीव सीड एंड रिप्रोड्यूस पार्थेनोजेनेटिकली। ठीक है, द एग पीरियड इज 1 to 2 डेज, निम्फल पीरियड जो होता है 17 to 34 डेज का होता है। निम्फ रिमेन विद इन द लीव सीड एंड सक द प्लांट सैप। ठीक है, जो निम्फ है वो लीव सीड में ही रहता है और प्लांट के सैप को सक करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इन इंसेक्ट्स को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे छठे नंबर यानी मिली बग्स। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट मेजर पेस्ट है वो है राइस ब्लैक बग। ठीक है, स्कोटिनोफोरा ल्यूरिडा। ठीक है, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो इंडिया, होस्ट रेंज राइस एंड मिलेट्स। डैमेज सिम्टम में बात करते हैं तो बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक प्लांट सैप फ्रॉम द क्लम ड्यूरिंग टिलरिंग टू द फ्लावरिंग एट द बेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, इट इज ऑल्सो द सैप फ्रॉम लीव सीड लीफ एंड द पैनिकल। ऐसा नहीं कि सैप सिर्फ वहीं से क्लम से ही लेंगे, लीव सीड से, लीव से और पैनिकल से भी लेते हैं। द अफेक्टेड प्लांट्स टर्न रेडिश ब्राउन टू येलो ड्यूरिंग टिलरिंग स्टेज। इट कॉजेज ड्राइंग अप ऑफ सेंट्रल सूट, यानी डेड हर्ट करते हैं, जैसे सुगर केन में हमने पढ़ा है डेड हर्ट होना, तो इनके स्टेम्स में क्या हो जाएगा, डेड हर्ट हो जाएगा, सेंट्रल सूट में डेड हर्ट हो जाएगा। स्टंटेड ग्रोथ एंड रिड्यूस टिलर्स, छोटे होंगे प्लांट और उनके टिलर्स भी कम निकलेंगे। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज इट अफेक्ट्स द पैनिकल डेवलपमेंट एंड कॉजेज चैफी ग्रेन्स, वाइट ईयर्स हो जाते हैं, जैसे अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था। ठीक है, ईयर हेड बग में। इन सीवियर केसेस प्लांट विल्ट ड्राई एंड टर्न बग बर्न। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, बग बर्न, ऊपर में क्या था, हॉपर बर्न। ठीक है, सिमिलर टू द हॉपर बर्न डैमेज ऑफ द ब्राउन प्लांट हॉपर, BPHECU कहते हैं। तो ये रहा इनके डैमेज सिम्टम का इमेज। ठीक है, अगर हम बात करें इनका ETL, तो 10% डैमेज एट टिलरिंग स्टेज और 5 बग्स पर हिल अगर मिलता है तो हमें IPM अप्लाई करना पड़ता है। बायोनॉमिक्स में बात करें तो एडल्ट्स आर ब्राउनिश ब्लैक विथ प्रोमिनेंट स्क्यूटलम एंड प्रोनोटम हैविंग ए स्पाइन ऑन देयर साइड। उनके बॉडी पे क्या होता है, स्पाइंस होते हैं, बॉडी पे कहने का मतलब है कि उनके प्रोनोटम के साइड में। ठीक है, 1 millimeter लॉन्ग ग्रीनिश एग्स आर लेड इन masses ऑन the स्टेम एंड leaves दैट टर्न pinkish ड्यूरिंग hatching। कहने का मतलब है कि जो एग है इनका 1 mm का होता है, ठीक है, अप्रॉक्स इतने लेंथ का होता है, ग्रीनिश होते हैं, और जब वो हैचिंग होने वाला होता है उनका कलर पिंक हो जाता है। ब्राउन नेम्स विथ येलोइश ग्रीन एब्डोमेन एंड 2 to 3 ब्लैक सेंट ग्लैंड्स, ठीक है, उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ब्राउन निम्फ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देखो, एग से निम्फ बना, फिर निम्फ डेवलप किया, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेन इनका जो एग लेइंग है वो कहाँ है, स्टेम और लीव्स दोनों हैं। ठीक है, अगर इनके मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो कीप द फील्ड फ्री फ्रॉम द वीड्स एंड ग्रासेस, ड्रेन द एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड, सेट अप लाइट ट्रैप्स, कंजर्व द प्रीडेटर्स लाइक स्पाइडर्स, ठीक है, वैस्प, ducks can be allowed in the field to pick up the bugs, spray NSKE 5% या फिर monocrotophos 36 SL at the rate 1000 ml per hectare, ये use कर सकते हैं। तो इनका management practice हो गया। ठीक है, तो आज के lecture में हमने जो topic discuss किया है वो है major pest of rice। जो कल का हमारा lecture होगा उसमें हम पढ़ेंगे minor pest, यानी जो 5 मैंने नाम आपको बताया minor pest का, उनके बारे में। तो guys, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल का मंथली प्राइम मेंबरशिप भी ले सकते हो, जिसमें हम आपको, आप जिस तरीके का मेंबरशिप लोगे उस हिसाब से आपके हम डाउट्स के हिसाब से आपके लिए मतलब ऑन डिमांड लेक्चर्स लेकर आएंगे। ठीक है, उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको PDF, तो आप जब ज्वाइन करो चैनल को उससे पहले आप पर्क्स पढ़ सकते हो हर लेवल के लिए। ठीक है, सिल्वर गोल्ड, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करो, हमारे
YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहें, साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। और किसी को भी इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से डाउनलोड कर सकता है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे राइट साइड में ऐड कर दिया है।